ये मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लिया है कंप्लेंट लेटर का, जो मेरा क्वेश्चन है, लास्ट मंथ यू बॉट अ 3G मोबाइल फोन विथ अ ईयर लॉन्ग गारंटी। अनफॉर्चुनेटली द सेट हैज़ डेवलप्ड अ स्नैग एंड इज नो लॉन्गर वर्किंग। राइट अ लेटर टू द कस्टमर केयर मैनेजर ऑफ द मैन्युफैक्चर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द डिफेक्टिव सेट एंड आस्किंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। अब एक्वायर्ड द कैश मेमो नंबर्स मॉडल एंड सेट सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ परचेज। इन्वेंट अदर नेसेसरी डिटेल्स। यू आर अमित चौहान, रेजिडेंट ऑफ 52 रोज अपार्टमेंट, रोहिणी, दिल्ली 10085। तो ये हमारा है सेंडर एड्रेस, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था, रेजिडेंट ऑफ 52 रोज अपार्टमेंट, जो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे ये इसके साथ आएगा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, ये इसके साथ आएगा। फिर यहाँ मैंने डेट लिखा, इसको स्पेस छोड़ के फिर मैंने डेट लिखा, जिस दिन मैं वो लेटर लिख रही हूँ वो डेट यहाँ पे आएगा। फिर जो हमें लिखना था कस्टमर केयर मैनेजर को, और इसमें जो हमें दे रखा है किस कंपनी का नाम है, फिर वही लिखना है यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट लिखना है कि हमारा 3G मोबाइल डिफेक्टिव है। फिर मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बाद मैंने लिखा है सर मैम, फिर स्पेस ऑन फेबररी 5, 2020, यानी 5 फरवरी 2020 को मैंने ये सैमसंग नोकियो का फ़ोन ख़रीदा था, जो कि जिसका वाउचर नंबर A1510 है। तो फिर ये मेरा पैरा वन था। इसके बाद यहाँ मैंने स्पेस देकर एक और ऐसा पैराग्राफ स्टार्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली द फ़ोन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल बिकॉज इट इज़ डिफेक्टिव। अचानक से ये मेरा फ़ोन पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो ख़राब है। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द सेट हैज़ क्रैश्ड एंड योर सेट हैज़ डोज्ड ऑफ इन टू अ परमानेंट स्विच ऑफ मोड। मैं बहुत निराश हूँ क्योंकि जो आपका सेट है वो परमानेंट स्विच ऑफ मोड में चला गया है और वो अब दोबारा चालू नहीं हो रहा। अब यहाँ मैंने प्रॉब्लम बताई अपनी, क्या थी मेरी प्रॉब्लम, अब मैं उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ़ योर कंपनी वुड पिक अप द सेट फॉर फ्री। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं अपनी कंपनी आपकी कंपनी से कहना चाहती हूँ कि अगर वो